गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 के इंग्लिश बुक रेडियंस पार्ट 2 में लेसन 1 सिंपैथी, जो कि एक पोयम है, वो पढ़ाऊंगी। सिंपैथी के राइटर हैं चार्ल्स मैके। सिंपैथी, सिंपैथी का अर्थ होता है सहानुभूति। सहानुभूति वह भावना है जब हम किसी दुखी व्यक्ति को देखकर उसके प्रति दया की भावना या करुणा की भावना हमारे हृदय में उत्पन्न होती है, तो उस भावना को हम सहानुभूति का नाम देते हैं। इस सहानुभूति को का अर्थ समझने के लिए आइए हम देखते हैं कि हमारे पुस्तक में एक छोटी सी कहानी दी गई है, जिसको पढ़ के आप लोगों को सहानुभूति का अर्थ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा चित्र दिया गया है। बच्चों, आप देख पा रहे हैं कि इस चित्र में दो छात्र हैं और एक बूढ़ा व्यक्ति है जो सड़क के किनारे बैठा हुआ है। दो छात्र में से एक छात्र उस बूढ़े व्यक्ति को पानी पिला रहा है, जबकि एक छात्र वहीं खड़ा हुआ बस देख रहा है। तो आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस कहानी में क्या कहा जा रहा है। अ थर्स्टी ओल्ड मैन इज सिटिंग बिसाइड द रोड। एक बूढ़ा प्यासा व्यक्ति रोड के किनारे बैठा हुआ है। ही सेज वाटर वाटर वाटर। वह कहता है पानी पानी पानी। उस बूढ़े व्यक्ति को प्यास लगी है और वह पानी पीना चाहता है। सूरज एंड रवि आर फ्रेंड्स। सूरज और रवि दोनों दोस्त हैं। दे हियर द ओल्ड मैन्स क्राई। वो दोनों ही उस बूढ़े व्यक्ति का चिल्लाना सुनते हैं, पुकारना सुनते हैं। सूरज इग्नोर्स इट बट रवि स्टॉप्स नियर द ओल्ड मैन। सूरज उस व्यक्ति बूढ़े व्यक्ति की आवाज़ को सुनता है और अनदेखा कर देता है, लेकिन वहीं रवि उस बूढ़े व्यक्ति के पास रुकता है और उसके पास जाता है। ही टेक्स आउट हिज वाटर बोतल। वह अपने बैग से पानी की बोतल निकालता है। ही गिव्स द बोतल टू द थर्स्टी मैन। वह बोतल उस प्यासे इंसान को देता है। द मैन टेक्स द बोतल एंड ड्रिंक्स वाटर। वह व्यक्ति पानी का बोतल लेता है और उससे पानी पी लेता है। ही थैंक्स रवि। उसके बाद वह रवि को धन्यवाद करता है। अब इस कहानी को पढ़ने के बाद हम लोगों को इसके बारे में यह पता चलता है कि सूरज जो है उस देखते हुए भी उस चीज़ को इग्नोर कर देता है, उस बूढ़े व्यक्ति की बात को नहीं सुनता है, जबकि रवि जो है वो उसके दर्द को समझता है, उसकी ज़रूरत को समझता है और उसके पास जाकर उसे पानी पिलाता है। अब आप मुझे ये बताइए कि वाई डज रवि स्टॉप नियर द थर्स्टी मैन। रवि उस प्यासे बूढ़े व्यक्ति के पास क्यों रुकता है, बताइए? क्योंकि रवि को उस बूढ़े व्यक्ति की ज़रूरत का एहसास होता है। उसे ये समझ आता है कि इस बूढ़े व्यक्ति को पानी पिलाना कितना ज़रूरी है। वह प्यासा है, उसके दर्द का अनुभव होता है, ठीक है? दूसरा प्रश्न ये कि वाई डज द मैन थैंक रवि। वह बूढ़ा व्यक्ति, वह प्यासा व्यक्ति रवि को धन्यवाद क्यों करता है? तो इसका जवाब यही है कि वह व्यक्ति रवि को धन्यवाद इसलिए करता है क्योंकि रवि उसके दर्द को समझकर उसे पानी पिलाता है, जो कि उसकी ज़रूरत थी। तीसरा प्रश्न, डू यू एवर फील सॉरी फॉर अ पर्सन इन ग्रीफ। क्या आप लोग कभी भी दुखी व्यक्ति के दुख को देखकर खुद उस दुख को महसूस करते हैं? आप लोग में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो ये खुद अनुभव किए हुए होंगे आज तक। तो ऐसा हर कोई अनुभव करता है कभी ना कभी। तो बच्चों, अब मैं आप लोगों को इस लेसन में आए हुए कुछ हार्ड मीनिंग्स, जो कि आपको समझने में दिक्कत आ रही होंगी, उसको बता देती हूँ। थर्स्टी मीन्स प्यासा। बिसाइड मीन्स के बगल में। हियर मीन्स सुनना। इग्नोर मीन्स नज़रअंदाज करना। ग्रीफ मीन्स शोक। सॉरो मीन्स कष्ट। स्पेक मीन्स बोला। इसके अलावा